scared I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel. Good morning, friends. ये मेरी फर्स्ट एवर वीडियो है फिटनेस के ऊपर. मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर व्हाट फिटनेस इज एंड फिटनेस का मतलब क्या है. आप देखोगे बहुत लोगों को नहीं पता व्हाट फिटनेस इज एंड मेरे अकॉर्डिंगली यही रीजन है लोग वर्कआउट नहीं करते हैं. एंड जो लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं आधे लोगों को लगता है कि फिटनेस इज ऑल अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फिटनेस इज ऑल अबाउट मेंटल प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ. हाँ, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं आप वीडियो को ध्यान से देखिए, 2 मिनट की वीडियो है. एंड मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी अंदर से मन मोटिवेशन करेगा, मन करेगा वर्कआउट करने का. हाँ, अब आपको बताऊँ फिटनेस क्या है एंड फिटनेस क्यों करना चाहिए. बेसिकली फिटनेस को मैंने आपको बताया था, फिटनेस के 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, हल्का सा ब्रीफ करूँगा ताकि आपको रहेगा क्या है क्या नहीं है. बेसिकली 1 इज द मस्कुलर एंड्योरेंस, देन 2 इज द मस्कुलर स्ट्रेंथ, 3 इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड 4 इज द आइडियल बॉडी कंपोजिशन एंड 2 इज कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. तो बेसिकली इनको हम सम अप करेंगे तो क्या होता है कि आपकी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ाते हैं. एंड्योरेंस मतलब स्टैमिना काम करने का, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं वेट उठाने का, देन फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की इंक्रीज करते हैं. एंड देन आपको जो भी डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी बॉडी से फ्लश आउट करते हैं. तो बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ ये सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं फिटनेस करने के, व्हाई वी शुड वर्क आउट. एंड जो मेरे अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट है व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग आउट इज, जो मुझे पर्सनली लगता है, इट्स अबाउट मेंटल मोटिवेशन. राइट, आप सही समझ रहे हैं, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है फिटनेस. अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं देन आप वर्कआउट करके देखिए क्या होगा. एक तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड से बॉडी से सारी बाहर जाएगी. आपका बेसिकली क्या होता है, सारी चीज़ें माइंड से स्टार्ट होती हैं. हाँ, सारी चीज़ें माइंड से स्टार्ट होती हैं. इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग आउट योर एंटायर नेगेटिव एनर्जी विल गो आउट, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, यू विल फील सो फ्रेश. आप एक वर्कआउट करके देखिए आपको इतना मोटिवेशन लगेगा. एंड अगर आप चाहते हैं कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, आप चाहते हैं अपनी बॉडी को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, देन यू नीड टू वर्कआउट. वर्कआउट ये नहीं सिर्फ जिम जाना, इधर यू कैन डू एक्सरसाइजेस, यू कैन डू जॉगिंग. सो दीज आर मेनी थिंग्स यू कैन डू. और मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर होम वर्कआउट्स भी बताऊँगा. मेरा आज का कंसेप्ट बस ये था आपको ब्रीफ करना, फिटनेस इज ऑल अबाउट मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. एंड आपकी लाइफ में मोटिवेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन नहीं है तो मोटिवेशन क्रिएट करिए. अगर आप चाहते हैं लोगों से स्टैंड आउट करना तो आपको अपनी बॉडी के अंदर, आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे. एंड वो कैसे करना पड़ेगा, आपको लोगों से अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, और वो सबसे बेस्ट एंड फिटनेस इज दी बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और मैं कल से आपको होम वर्कआउट वीडियोज भी डाला करूँगा. और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. You could